बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जींद की ही, जहां पर जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें आपको, आंगनवाड़ी वर्कर लगातार मांग उठाए हैं और अब वो सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। तो जींद में आंगनवाड़ी वर्करों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने बीजेपी का जमकर विरोध किया। आंगनवाड़ी वर्करों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानी तो हम लोगों को कहेंगे कि आने वाली 28 तारीख को बीजेपी को वोट ना दें। बता दें कि प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्करों की अपनी मांगों को लेकर पिछले कई वक्त से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आज प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्करों में सरकार के प्रति भारी रोष है और सरकार ने हमारे 1500 और 750 रूपए जो भारत सरकार की घोषणा उसको लागू करने है मना कर दिया है। इसलिए यहाँ जो बाई इलेक्शन है, ये जो जींद के आंगनवाड़ी वर्कर है पूरा जो है बचपन का इलेक्शन में पूरा विरोध करने का जो आंगनवाड़ी वर्करों ने फैसला लिया और बीजेपी का पूरा विरोध करेंगे। इलेक्शन में बीजेपी का कोई वोट नहीं मिलेगा कमल को आंगनवाड़ी वर्कर। संवाददाता राजेश जांगलान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आंगनवाड़ी वर्कर प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई आश्वासन मिला है इनको? कोई अधिकारी पहुंचा इनकी मांगों तक? जी, आंगनवाड़ी की कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और धरने पर बैठी है। तो उनका यही कहना है कि हमारे जो मांगे थी, इन्होंने किसी प्रकार का हमारी मांगे थी कि हमें पक्का किया जाएगा, लेकिन पक्का सरकार द्वारा नहीं किया गया और जो राशन जो आता है वो भी पूरी मात्रा में नहीं आता और जहाँ पे इन्होंने किराए पे ले रखा आंगनवाड़ी सेंटर बनाया उसका किराया भी सरकार नहीं दे रही, इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन किया कर रहे हैं और हमें जब तक सरकार पक्का नहीं कर देगी हम इस तरह का करेंगे और बीजेपी पार्टी का के कैंडिडेट का जींद के अंदर विरोध करेंगे, ये उनकी नेता का कहना। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजेश हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आंगनवाड़ी वर्करों ने प्रदर्शन किया है, सरकार के मुश्किलें अब ये जरूर बढ़ाने वाले हैं।